Assalamu alaikum students, today I am going to discuss the very important topic that is sources of organic compounds. So students, अक्सर आपसे ये पूछा जाता है कि organic compounds जो हैं उसका important source क्या है, मतलब हम organic compounds को किस तरह से obtain करते हैं. तो important sources जो हैं वो मैं आज के lecture में आप लोगों से discuss करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपके पास main sources हैं organic compounds के वो कौन कौन से हैं. पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है. तो ये सब जो हैं वो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं कि इनके थ्रू जो है आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि मैंने बताया कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं कि ये आपको कैसे मिलते हैं, कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स जो होते हैं, जब वो जो है उनकी मतलब डेथ हो जाती है, तो वो जेर ज़मीन जब इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जो है वो ज़ेर ज़मीन जब मौजूद होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स की जो है वो सोर्स के तौर पर एक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब उनसे हम जो है, हमें कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो ऑब्टेन होती है. ठीक है, वो मिलकर वो क्या बना रहे होते हैं, फॉसिल्स की जो है उनकी फॉसिल्स की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, दे आर द मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स. जैसे कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. तो अक्सर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. तो आपने बताना है कि डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी डेथ हो गई है, उनकी जो बाकियात हैं, इनकी उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं, तो उनसे जो है उनको हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं. ठीक है, और उसके थ्रू जो है हमें जो है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं. तो जो मेन सोर्स है, जो आप कह लें कि जो मेन सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. इनके प्लांट्स और एनिमल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसी वजह से ये मेन सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स. इसके अलावा जो है कोल जो है उसके थ्रू आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं. इसके अलावा नेचुरल गैस है, इसके अलावा पेट्रोलियम है, ये सब के सब जो है सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन करने के. ठीक है, तो अब हम इनको स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो है वो मैं प्लांट्स को डिस्कस करूंगी आपसे कि प्लांट्स जो है वो कैसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं कि प्लांट्स में कि द प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन सोर्स है. कैसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कैसे प्रोवाइड करते हैं, आप देखें कि जो प्लांट्स से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वेजिटेबल मिलती हैं, प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेबल्स उससे आपको ऑब्टेन होती हैं. इसके अलावा जो एसेंशियल ऑयल्स हैं प्लांट्स से ही आपको ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, ऑयल वगैरह भी, ऑयल्स हो गए, इसके अलावा जो है वो डाइज हो गए, इसके अलावा नेचुरल फाइबर्स, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गई फाइबर, और भी बहुत सारे फाइबर्स जो हैं नेचुरल फाइबर्स, तो वो भी आपको प्लांट्स से ऑब्टेन होते हैं. तो ये सब के सब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर हैं ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, इवन के जो दालें आप खाते हैं तो वो भी जो है वो दालें वगैरह जो हैं वो भी क्या है, ऑर्गेनिक हैं. ठीक है, वो यानी कि वो प्रोटीन्स होती हैं. ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं. लेकिन यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपको प्लांट्स से मिलते हैं. इसके अलावा जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मिलती हैं प्लांट से. तो ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपको प्लांट से ऑब्टेन होते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स का, इनके पेट्रोलियम का, कोल एंड नेचुरल गैस, वो भी आपको इन डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है फर्स्ट इनके प्लांट्स और एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हमने डिस्कस किया. इसके अलावा हम सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि क्या था, कोल था. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो कोल को मैं डिस्कस करने लगी हूँ. तो कोल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो है कोयला, जो कोयला यूज़ करते हैं, अक्सर लोग जो है वो उनके घर गैस नहीं होती, अब गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, कोयले जलाते हैं, और कोयले के थ्रू जो है वो खाना वगैरह बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये सोर्स है कोल जो है वो भी सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो कैसे ये सोर्स है, इट इज़ सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोल क्या चीज़ होती है. ठीक है, इट इज़ अ सॉलिड मिनरल. अब आपको पता है जो कोयला हम घर में यूज़ करें करते हैं, अगर कुछ लोग जो के जिनके घरों में गैस नहीं होती, ठीक है, सो उनकी मैं बात यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि इट इज़ अ सॉलिड मिनरल यूजली ऑफ ब्लैक कलर. तो आपको पता है वो कोयला किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, वो सॉलिड मिनरल है. ठीक है, मादने आते हैं. ठीक है, सो अब ये तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि
जो कोल है वो किस कलर का होता है, और इसकी जो है फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कैसे होती है, इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि यहाँ पर जैसे कि बताया है कि डेफिनेशन ऑफ कोल जो है ये मेंशन की गई है कि कोल क्या होता है, ब्लैक या ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है, ये चट्टानें होती हैं और जो कि यूजली अकर होती हैं रॉक स्ट्रेटा, चट्टानों के अंदर जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है, कोल वगैरह। और इनके अंदर जो है स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो वेरी करती है, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज में जो है वो इनके अंदर कार्बन मौजूद होती है और उसकी बेसिस पे हमने जो है वो इस जो कोल है उसको डिफरेंट नेम दिया है। तो इसको मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर होगी। और इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर 65 to 95% मेंशन है, इसको आप 60 to 90% करें तो ये ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये 60 to 90% जो है वो इस तरह से मेंशन है। अब स्टूडेंट्स ये कोल हो गया, तो कोल के बाद जो है मैं थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन इसकी बताती हूँ कि इनकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स के जो कोल होता है ये बनता है कैसे, बाय द डिके ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स के जो डिके होता है उनकी उनकी वजह से जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये जो है जब इनके अंदर इनकी ये जो बड़ी होते हैं जब अंडर अर्थ 500 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि इतना टाइम पहले का ये प्रोसेस होता जा रहा है, होता चलता आ रहा है, और इसके थ्रू जो है कोल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती जा रही है। और इसके अलावा जो इसके ऊपर जो है केमिकल और बैक्टीरियल एक्शंस जो हो रहे हैं उसके थ्रू जो है ये एक जो है पहले एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में और दूसरी से तीसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होती जा रही है। तो ये सबसे पहले क्या है कि केमिकल और बैक्टीरियल एक्शंस होने के बाद ये जो आपकी वुड है, वुड हो गई, डेड प्लांट्स और ट्रीज हो गए, वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, पीट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फिर जिस पर हाई प्रेशर और जो है जिसको हाई टेम्परेचर उस पर प्रोवाइड करके तो हम उसको फाइनली कन्वर्ट करते हैं पीट से कोल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम से ये कोल में कन्वर्ट नहीं होता, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये काम होता जा रहा है, ये प्रोसेस चलता आ रहा है, और इसके थ्रू जो है पहले ये जो आपके वुड और डेड प्लांट्स एंड ट्रीज जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये एक स्कीम बनी हुई है छोटी सी, इसके थ्रू आपको क्लियर करने में ज़्यादा आसानी होगी कि जो आपके वुड और डेड प्लांट्स और ट्रीज हैं इस पे बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस हुए, और रिएक्शंस होते हैं तो ये सबसे पहले वो पीट में कन्वर्ट होते हैं, पीट से जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर उस पर लगता है मज़ीद, तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होती है, अनदर यूनिट है, और लिग्नाइट से फिर इसके ऊपर मज़ीद हाई प्रेशर लगता है तो ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट होता है, और फाइनल जो है उसके बाद मजीद प्रेशर इस पर लगता है तो बिटुमिनस कोल से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिटुमिनस कोल से ये एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एंथ्रेसाइट की ये स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कोल की, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये डिफरेंट फॉर्म्स को हमने हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पीट है इन सब के अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो वेरी कर रही है, मतलब कार्बन कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, इनके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो वेरी कर रहा है। वो कैसे वेरी कर रहा है कि जो आपके पास पीट है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो 60% होती है, ये आपने याद रखना है, इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो 60% होती है, जबकि लिग्नाइट के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 70% होती है। इसके अलावा बिटुमिनस कोल जो है इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है जैसे कि ये मेंशन है 70 to 80%, तो स्टूडेंट्स ये 80% होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एंथ्रेसाइट है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो 90% होती है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप स्टार्ट में ही मेंशन कर लेंगे ये 60 to 90% जो है इसके अंदर कोल में परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, यानी कि कार्बन कंटेंट जो है वो इस तरह से वेरी करता है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स हमने इनका नाम जो है नाम भी हमने वो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि पीट में 60% कार्बन, और मज़ीद जितनी कार्बन कंटेंट बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा जो है वो इसके अंदर जो कोल है वो डिफरेंट मतलब नेचर का आपको मिल रहा है। तो अगर 60% है तो उसका नाम पीट हो गया, अगर 70% की रेंज में है तो वो लिग्नाइट है 70% जिसके अंदर कार्बन कंटेंट है, अगर 80% है तो वो बिटुमिनस कोल कहलाएगा, और इसके अलावा जो है अगर वो 90% है तो हम उसको एंथ्रेसाइट बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं कोल की इनको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन कंटेंट। तो ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये अक्सर पेपर में आया होता है, और इसमें जो रेंज है वो आपसे पूछी जाती है कि जैसे लेट्स सपोज पूछा जाता है कि बिटुमिनस कोल जो है उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट कितना है, ठीक है, ये कार्बन कंटेंट कितना है, तो ये पूछा जाता है। इसी तरह एंथ्रेसाइट का पूछ लिया जाता है, कभी भी किसी का भी इनमें से पूछ लिया जाता है, तो ये आपने जो है इस एस्पेक्ट से इसको रेडी करना है। इसके अलावा अब हम स्टूडेंट्स इसकी यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपके पास कोल है वो हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि कोल को स्टूडेंट्स हम
यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, हम यानी कि घरों में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम इनको यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स ये क्या है कि इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल. फ्यूल जो ईंधन हम लेते हैं घरों में जलाते हैं, तो उसको उसके तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल, ये हमें मिलता है. इसके अलावा इसकी सेकेंड यूज़ क्या है कि इट्स डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या आप कह सकते हैं कार्बोनाइजेशन गिव्स मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, के हम जो है वो जो प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो, ठीक है, जो प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर हो, इसमें जो एयर है वो एब्सेंट हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो मैंने कहा कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है उसमें हवा का मौजूद होना, मौजूद ना हो जो है, तब हवा जब मौजूद नहीं होती तो तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करते हैं. सो व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हम क्या करते हैं कि जब कोल को हीट अप करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर एब्सेंट होती है और टेम्परेचर जो है वो किस रेंज में हो, 500 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस जो है वो इतना टेम्परेचर हम जब प्रोवाइड करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हमें जो है वो तीन तरह के ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, जो कि सबसे पहले जो है वो आप यहाँ पर मेंशन है कि कोल गैस मिलती है आपको, कोल टार मिलता है, इसके अलावा जो है वो कोक आपको जो है वो ऑब्टेन होती है. तो ये जो है सब के सब जो है स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. इसके अलावा जो है ये डेफिनेशन भी यहाँ पर मेंशन है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, आप देख सकते हैं कि क्या है द डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिलेशन कहते हैं सेपरेशन को, सेपरेट कर रहे हैं आप जो है सेपरेशन है दैट इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब आप सेपरेट आउट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है. होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. इसके अलावा जो थर्ड है, थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड इसकी यूज़ किया है कोल टार. कोल टार जो है इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं. सो दीज कैन बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी आप मतलब आप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं और इनको सेपरेट आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से. अब यहाँ पर ये जो टर्म स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इसका क्या मतलब है कि डिस्टिलेशन ऑन द यानी कि सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे जब हम. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि डिस्टिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेशन सेपरेशन जब हम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे जब हम कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उस तरह की जो सेपरेशन या डिस्टिलेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं. तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो क्या है, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को भी आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑन द इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस पे आप एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड से जो है वो सेपरेट आउट करते हैं. इसके लेट सपोज जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 30 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो है वो आप पहले सेपरेट आउट कर लेंगे, क्योंकि 20 टेम्परेचर जो है वो आप पहले अटेन करेंगे, तो वो पहले वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको आप सेपरेट कर लेंगे, और जिसका 30 है वो आपको बाद में मिलेगा, मतलब आप उसको सेपरेट आउट करेंगे. इसी तरह कुछ जो है वो उनका 60 है, 70 है, ऐसे जो भी टेम्परेचर है, आप इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे आप उनको जो है वो जब आप उसको बॉइल आउट करेंगे तो आपके पास सेपरेट होता जाएगा. तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमने इसकी सेपरेशन को भी डिस्कस कर लिया. अब मैं मजीद कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को दूंगी जिसके थ्रू आप देखेंगे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आप इस तरह से उनको सेपरेट आउट करते हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम इसकी अब फोर्थ जो यूज़ है वो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं. इसके अलावा जो इसकी फोर्थ यूज़ है वो क्या है कि इट इज़ ऑल्सो यूज इन पावर जनरेटिंग स्टेशंस. जो पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, पावर स्टेशंस जो हैं, उनमें भी जो है ये कोल जो है वो अपना रोल प्ले करता है. कोल को वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है. तो ये सब जो है स्टूडेंट्स हमने कोल के बारे में डिस्कस किया. तो जैसे कि हमारे दो पॉइंट्स थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंड जो है वो कोल था एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इनको मैंने स्टूडेंट्स अब आपसे डिस्कस किया है. तो अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो थर्ड सोर्स है दैट इज़ नेचुरल गैस. तो स्टूडेंट्स मैं बाप से जो है नेचुरल गैस है उसको डिस्कस करने जा रही हूँ, और लास्ट में मैं पेट्रोलियम को डिस्कस करूँगी. लेकिन स्टूडेंट्स इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ
जो मैंने आपसे आपसे डिस्कस की कि टर्म जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट आउट करते हैं, तो पहले वो टेबल मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से जो हैं वो फ्रैक्शंस हैं जिनको आप बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, लेट्स सपोज ये फ्रैक्शंस हैं किसकी, पेट्रोलियम ओर की। जो पेट्रोलियम ओर है उसकी ये डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये प्रिंसिपल फ्रैक्शंस हैं जो कि ऑब्टेन की गई हैं, किसके थ्रू ऑब्टेन की हैं, बाय प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट आप जो है कंपाउंड्स हैं उनकी उनको आप सेपरेट आउट करते हैं। तो ये आपके पास पेट्रोलियम ओर है, उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं कि जैसे कि नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम एथर है, लिग्रोइन और नेफ्ता है, इसके अलावा गैसोलीन है, कैरोसिन है, गैस ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीजेस हैं, पैराफिन्स है, एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक है। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंट फ्रैक्शंस जो हैं हमने इनको बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेट किया है। तो ये आप देख लें कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज मेंशन है इन डिग्री सेल्सियस। तो नेचुरल गैस इसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से सेल्सियस से लेस होता है, तो आपकी जो है नेचुरल गैस जो है वो फिर सबसे पहले जो है ये आपकी सेपरेट आउट हो जाएगी, ये वाली फ्रैक्शन नेचुरल गैस वाली। इसके बाद जो है अगर उस कंपाउंड के अंदर पेट्रोलियम एथर, मतलब ये पेट्रोलियम ओर के अंदर पेट्रोलियम एथर है, तो वो कब सेपरेट आउट होगा, उसकी रेंज जो है वो 20 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक है। तो अगर ये टेम्परेचर की रेंज होगी तो उस वक्त आपका पेट्रोलियम एथर जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। इसी तरह लिग्रोइन जो है इसके लिए 6200 है, तो उस टेम्परेचर पर ये सेपरेट आउट हो जाएगा। इस तरह जो आपका गैसोलीन है वो 40 से लेकर 220 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें जो है गैसोलीन की फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो फ्रैक्शंस हैं वो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे जो है आप इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी कंपोजिशन भी आपको दिखाई जा रही है कि ये आप देख रहे हैं कि इनके डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह हैं, यानी कि नेचुरल गैस जो है जो कि जिसमें जो मेजर सोर्स है वो मिथेन होता है, मिथेन जो है वो होती है इसके अंदर, मिथेन से लेकर आगे ब्यूटेन तक जो है वो नेचुरल गैस में मौजूद होती है हमारे। इसके अलावा ये पेट्रोलियम एथर, इन सब के अंदर जो डिफरेंट इनकी जो कंपोजिशन है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और स्टूडेंट्स इनकी जो मजीद इनकी यूजेस कहाँ कहाँ पर है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये कि जैसे कि नेचुरल गैस है उसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो है आपके पेट्रोलियम एथर इसको यूज़ किया जाता है लैब्स में, खासतौर पर एज अ सॉल्वेंट इनको यूज़ किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। इसके अलावा जो आपका लिग्रोइन और नेफ्था है उनको उसको भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसके अलावा एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो गैसोलीन है उसको मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो कैरोसिन है उसको हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है, इसके अलावा जो गैस ऑयल है उसको डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत सारी यूजेज़ आपको इन सब फ्रैक्शंस की नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और ग्रीजेस जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं लुब्रिकेशन पर्पस के लिए, यानी कि लुब्रिकेशन क्या होता है कि जैसे कोई आपकी जो मोटर है वो आवाज़ कर रही होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, तो उसमें जब हम ऑयल डालते हैं तो उसको क्या करते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल, और उससे क्या होती है उसकी जो आवाज़ होती है आना वो बंद हो जाती है। तो इस तरह से लुब्रिकेशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं लुब्रिकेशन कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है पैराफिन्स, पैराफिन्स क्या होती हैं ये जो वैक्स प्रोडक्ट्स जितनी भी होती हैं इनको इसमें इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ये भी इनकी यूजेज़ हैं। इसके अलावा जो है स्पॉल्ट वगैरह और पेट्रोलियम कोक वगैरह ये रूफिंग में यूज़ होता है, जो छतें वगैरह बनती हैं, इसके अलावा जो पेविंग रास्ते वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, इसके अलावा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं फ्रैक्शंस जो कि पेट्रोलियम ओर की डिफरेंट फ्रैक्शंस थी, और इनको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट किया गया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है और उसके थ्रू हम किस तरह से जो हमारे पास कंपाउंड हैं मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स में जो नेक्स्ट टू पॉइंट्स हमारे रह गए थे, हमने प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डिस्कस कर लिया और कोल को भी, अब हम जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने पहले ही पेट्रोलियम ओर की जो फ्रैक्शन उनको डिस्कस कर लिया, लेकिन क्योंकि हम टर्म यूज़ कर रहे थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो इसलिए मैंने जो है इसको बेहतर समझा कि पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो अब हम स्टूडेंट्स नेचुरल गैस की तरफ आते हैं।
तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड हमारे पास आ जाती है फ्रैक्शन सॉरी थर्ड जो हमारे पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस क्या होती है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लो बॉयलिंग हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आ जाते हैं जो कि कम बॉयल होते हैं, लो बॉयलिंग होते हैं, ठीक है, या फ़ौरन से आप कह लें कि बॉयल आउट हो जाते हैं। लो बॉयलिंग का मतलब है जो फ़ौरन से बॉयल आउट हो जाए, ठीक है, लो बॉयलिंग का ये मतलब है, ठीक है, कि जो फ़ौरन से ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि फ़ौरन से बॉयल आउट हो जाते हैं, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं। इट्स मेजर पोर्शन इज मीथेन। इसमें आपके पास मीथेन आ जाती है जो कि CH4, आपने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा हुआ है मीथेन के बारे में। तो मीथेन जो है वो हमारे घरों में जो नेचुरल गैस आती है उसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो मीथेन का होता है। इसके अलावा इथेन भी होता है, प्रोपेन भी, ब्यूटेन तक जो है वो उसके अंदर कंपोजिशन उसकी होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो है कैसे आपको ऑब्टेन होती है नेचुरल गैस, के डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर जो है, ऑर्गेनिक मैटर आपको अभी डिस्कस किया आपसे कि जो नेचुरल गैस वगैरह है वो आपको कहाँ से ऑब्टेन होती है, प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह के या ऑर्गेनिक मैटर के डिके से, ठीक है, उनके डिकम्पोज होने की वजह से। तो यही थ्री पॉइंट्स में स्टूडेंट्स होप सो कि आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कैसे ये एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कहलाएगा। अब इसकी यूजेस को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, को क्या है कि इसकी कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ है, कि इसको यूज़ किया जाता है पावर जनरेशन में, ठीक है, पावर जनरेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा जो है डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो है वो घरों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने नेचुरल गैस को भी डिस्कस किया। अब मैं आती हूँ जो हमारे पास लास्ट जो है इसकी सोर्स है जो कि क्या था आपके पास, पेट्रोलियम, तो उसकी तरफ हम आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इसकी फोर्थ सोर्स जो है वो क्या है, पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम किसको हम कहते हैं, द रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल। जो मादनी तेल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, मिनरल ऑयल उसकी जो जब वो रिफाइंड फॉर्म में होता है यानी कि प्योर फॉर्म में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक बात आपसे मज़ीद डिस्कस कर दूँ कि जो आपका मिनरल ऑयल होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है। मिनरल ऑयल जो है वो आपका दो फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है मिनरल ऑयल जो है अगर वो प्योर होगा, ठीक है, अगर प्योर फॉर्म होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर, या आप कह सकते हैं कि रिफाइंड फॉर्म में हो। जब वो प्योर हो या रिफाइंड फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम। लेकिन अगर आपका यही मिनरल ऑयल जो है वो इम्प्योर है, ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, इम्प्योर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल। तो उस ऑयल को हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल, यानी कि खाम तेल। खाम तेल कहा जाता है। खाम तेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, तो इसी वजह से हम उसको क्रूड ऑयल कहते हैं, यानी कि उस मादनी तेल को हम क्रूड ऑयल बोलेंगे। और अगर जब वो प्योर होगा तो उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और जब वो इम्प्योर होगा तो हम उसको क्रूड ऑयल बोलेंगे। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि मिनरल ऑयल जो है वो दो तरह से होगा, अगर वो प्योर होगा तो उसको पेट्रोलियम कहेंगे, और अगर इम्प्योर होगा तो उसे क्रूड ऑयल कहेंगे। तो ये दोनों टर्म्स भी आपको समझ आ गए कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स होप सो कि जो टर्म है पेट्रोलियम वो आपको क्लियर हो गई है। अब हम इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से जो पेट्रोलियम है वो किस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। सो इट इज़ थॉट दैट स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स प्रोड्यूस पेट्रोलियम। तो अब आपको स्टूडेंट्स, जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने डिस्कस किया था आपसे लेक्चर के स्टार्ट में, कि ये जो आपके पास ऑयल, कोल ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह है, तो ये आपको जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, ये स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, डीकम्पोजिशन हो रही है ऑर्गेनिक मैटर की, तो उसके थ्रू जो है ये आपको ऑब्टेन होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे कि मेंशन है कि स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है उस जो के हो रही है किसमें, इन बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो चट्टाने हैं उनके अंदर जो है ये सारा प्रोसेस होता जा रहा है, और ये इसके थ्रू जो है आपको पेट्रोलियम मिल रही है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये जो आज के लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया, और मैंने आपसे चारों जो सोर्सेज हैं यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज कोल, ऑयल एंड
नेचुरल गैस, ये जितने भी सोर्सेज मैंने आपको चारों सोर्सेज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्कस किए हैं और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, होप्स हो कि आपको वो सब क्लियर हो गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड स्टिल आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।